हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करेंगे पीटी 365 का, जो हमारा इकोनॉमिक का पोर्शन चल रहा है। आज उसका गाइस चैप्टर 8 करेंगे कंप्लीट तरीके से। इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड डेवलपमेंट को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आप देखते जाइए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को गाइस मार्क करना है, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें क्या होता है, माइनिंग के बारे में है। अब देखो, माइनिंग गाइस क्या होती है और माइनिंग में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या होता है। देखो, सेंटर ने ना रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस दी कि भाई, जो DMF फंड है ना, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो फंड है, उसको ना उस इस तरह से टाइटन तरीके से यूज़ करना है और स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना है। और क्योंकि विच इज़ रीडेवलपमेंट ऑफ एरियाज, जो भी आपके माइनिंग अफेक्टेड एरियाज होते हैं, उससे रिलेटेड ये दे रखा है, ठीक है। अब ना इसमें की गाइडलाइंस क्या है, देखो की गाइडलाइंस इसमें ये है कि जो DMF है ना, उसमें एक प्रिपेयर करा है परस्पेक्टिव प्लान सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए। जो भी एरियाज अफेक्टेड होते हैं माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड, उनके लिए है। इसके लिए बेसलाइन सर्वे किया जाएगा, जितने भी आपके ग्राम सभा लोकल बॉडीज़ हैं उसमें असेसमेंट रिपोर्ट निकाल के दी जाएगी, उनको एड किया जाएगा। सर्वे में 5 ईयर स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, सारा परस्पेक्टिव प्लान बना रखा है। अब DMF के बारे में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, इसके बारे में जान लो। ये किसी ना एक एक्ट के तहत बना है। कौन सा एक्ट है वो? माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत बना है। इसमें क्या होता है, DMF में ना इज क्रिएटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट डेट हैज़ अ माइनिंग, ठीक है। जिस भी एरिया में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग होती है, वहाँ पे DMF क्रिएट हो जाता है। तो माइनिंग कंपनी को DMF में 30% रॉयल्टी अमाउंट फॉर लीज ग्रांट किया जाता है बिफोर 2015 एंड 10% फॉर लीजेज ग्रांटेड थ्रू आउट द ऑक्शन पोस्ट 2015, ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है। फंड को कलेक्ट किया जाता है और नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट इसको मैनेज करता है, क्या करने के लिए, वेलफेयर ऑफ माइनिंग करने के लिए, ठीक है। जो भी अफेक्टेड पॉपुलेशन है उसके वेलफेयर के लिए किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में सेपरेट ट्रस्ट है और इसमें फंड होता है, डेट इज़ नॉट टाइड टू एनी पर्टिकुलर स्कीम, इट डज़ नॉट लैप्स इवन इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका ये है कि हर साल में ना ये लैप्स नहीं करता, ये आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जैसे कई बार होता है ना कि एक साल के लिए ही आपको पैसा खर्च करना है, उसके बाद नहीं कर पाओगे, आप आगे भी फर्दर इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अबाउट दिस थिंग, तो इसमें आपको ये याद रखना था। अच्छा, उसके बाद आता है गोल्ड माइनिंग इंडिया में समझो। देखो, बिहार गवर्नमेंट ने ना डिसाइड किया कि हम ना परमिशन देंगे, अकॉर्ड करेंगे, ताकि जो भी एक्सप्लोरेशन है कंट्री का, लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएँ। और विच वॉज अराउंड योर 2.88 मिलियन टन ऑफ गोल्ड रिजर्व वहाँ पर रखा जाएगा। अब मेजर्स क्या लिए जाएँ ताकि गोल्ड माइनिंग इन इंडिया अच्छा चले, है ना, क्योंकि हमारा गोल्ड इंडस्ट्री भी हमें ध्यान रखनी है। तो देखो, अगर हम ओवरव्यू करोगे ना, व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस अप्रोच, हम गोल्ड इंडस्ट्री के बारे में, गोल्ड माइनिंग को क्यों इनकरेज कर रहे हैं, उसके बारे में आप जान लो कुछ, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। देखो, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ना टोटल रिजर्व है ना हमारे यहाँ गोल्ड का इंडिया में, डैट इज़ मोर देन 500 मिलियन टन है, एज़ पर द नेशनल मिनरल इन्वेंट्री डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेट विद लार्जेस्ट गोल्ड आपको रिजर्व कहाँ मिलेंगे, बिहार में, उसके बाद राजस्थान, कर्नाटका, ऐसे ऐसे आपको लार्जेस्ट गोल्ड रिसोर्सेज मिलेंगे। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया में 25% ग्लोबल जो गोल्ड डिमांड है वो होती है, और हम इंपोर्ट करते हैं 89% इसका। मेजर गोल्ड माइन हमारी कहाँ कहाँ पर है, ईस्ट सिंहभूम में है, रायचूर में है, चित्तौर में है, कुल्लर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी से रिलेटेड हमने क्या करा है, हम ना कुछ अब करने वाले हैं, इनकरेज करेंगे, कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे जिसकी वजह से हमारा गोल्ड माइनिंग इनकरेज हो। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच वी हैव टेकन इज द अमेंडमेंट इन दी योर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो 2015 में आया, इसको इंट्रोड्यूस करा गया न्यू डिज़ाइन, ताकि मिनरल कंसेशंस को ग्रांट किया जाए ऑक्शन के तहत, है ना, ताकि ट्रांसपेरेंसी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन चीज़ें हो पाएँ। स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करा कि एडवांस एक्शंस लिए जाए, मिनरल ब्लॉक्स इसी सब फैसिलिटेट किया जाए। 2021 में ट्रांसपेरेंट ऑक्शन 500 माइनिंग ब्लॉक्स का करा जाए, ये सारा कुछ करा गया, ठीक है। दिस इज़ दी वन ऑफ दी मेजर फैक्ट इशू, देखो थोड़ा सा याद कर लो, कुछ ना फैक्ट्स भी याद रखने पड़ते हैं हमें। तो गोल्ड माइनिंग इंडिया में कब से, फर्स्ट मिलेनियम BC से शुरू हो गया था, एंड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी वी हैव डोमिनेटेड बाय द कोलर गोल्ड फील्ड, ठीक है। अब ना इसमें ना एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी भी है, NMEP 2016 में आई है। नॉन फ्यूल नॉन कोल माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए होती है, प्राइवेट कंपनीज़ को ये बोलती है कि आप एंटर करिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग करिए, ठीक है। इवन ई ऑक्शन भी कराया जाता है। इसके साथ साथ आपका नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की है, जो भी वो भी परमिट करती है अवार्ड मेथड और सिंपल ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रोसेसेस में, ताकि एक्सप्लोरेशन को इनकरेज कर पाएँ। उसके साथ साथ 100% FDI परमिट है, ध्यान रखना, गोल्ड माइनिंग को इनकरेज करने के लिए। व्हाट वी हैव डन, 100% हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को
परमिट किया हुआ है अंडर योर ऑटोमेटिक रूट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. साथ ही साथ मिनरल एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट भी है जिसमें अलाउ करा हुआ है, ऑक्शन टू कंपोजिट लाइसेंस है ना, इस तरह से. इसी के साथ साथ ना आपका एक आता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गाइस, ये ना गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट भी रिलीज़ करता है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है. इसको इसलिए इस्टेब्लिश करा गया था ताकि ये यूज़ एंड प्रमोट कर पाए गोल्ड थ्रू मार्केटिंग रिसर्च एंड लॉबिंग. इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर है वर्ल्ड में. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया इज़ दी थर्ड लार्जेस्ट, तो आप गलत मत कर कर आना प्लीज़. इंडिया इज़ दी फोर्थ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर इन दी वर्ल्ड. और इंडिया का जो गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंक्रीज बाय 1500 टन. सो चाइना टॉप दी चार्ट फॉलोड बाय योर इटली एंड यूएस. ठीक है जी, आगे चलते हैं. आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डैट इज़ योर स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिया में स्टील का अभी हमने गोल्ड पढ़ा, अब हम स्टील के बारे में जानेंगे. देखो रिसेंटली इंडिया ने टारगेट सेट करा है कि वो क्रूड स्टील प्रोडक्शन को डबल करेगा. 154 मिलियन टन से वो कहाँ तक जाएगा, 300 मिलियन टन तक जाएगा इन द नेक्स्ट 9 to 10 ईयर्स. अभी इसके सेक्टर के बारे में जानोगे तो इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है. इंडिया फिफ्थ हाइएस्ट रिजर्व रखता है आयरन ओर का, बट डिमांड ऑफ कुकिंग कोल इज मेंट मेनली थ्रू दी इम्पोर्ट विच इज़ नॉट गुड, है ना. इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन भी लो है. स्टील इज डीरेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है. 100% FDI इज ऑल्सो अलाउड इन दिस स्टील सेक्टर ऑल्सो. ठीक है, जैसे गोल्ड में था यहाँ पर भी अलाउड है. अब सम टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में आपको जानना चाहिए. योर फर्स्ट इज स्पेशलिटी स्टील. स्पेशलिटी स्टील का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ स्टील जो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है. इसकी 5 कैटेगरीज हैं, कोटेड, ठीक है, योर हाई स्ट्रेंथ वाली स्पेशलिटी रेल्स, अलॉय स्टील, स्टील वायर्स, ये सारे के सारे. फिर ग्रीन स्टील है. ग्रीन स्टील इज स्टील विद लोअर, आपका लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट जो होते हैं उसके लिए. तो इसमें क्या होता है ग्रीन स्टील प्रोडक्शन में, हाइड्रोजन मेड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जीज को आप करके, आपने यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके नहीं किया है, आयरन मतलब आयरन और ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करा है, आपने हाइड्रोजन से इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके जब आप स्टील निकालते हो. स्टील स्क्रैप क्या होता है, ये अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल होता है स्टील की मैनुफैक्चरिंग के टाइम पर करा जाता है सेरा पर्टिकुलरली, और पार्शली जो ब्लास्ट फर्नेस होता है या फुली इलेक्ट्रिक आर्क से निकला हुआ वो होता है. एक टर्म होती है गाइस स्टील स्लैग. स्टील स्लैग का मतलब क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है स्टील का. ठीक है, सेपरेट करते हो जब आप मॉल्टन स्टील को ना इम्प्योरिटी हटाते हो तब इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही साथ आप देखो ये पिग एक आयरन होता है जिसको हम क्रूड आयरन भी बोलते हैं. तो स्मेल्टिंग इज फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेट जिसमें कि निकाला जाता है, इसमें हाई कार्बन कंटेंट भी देखने को मिलता है. रशिया एज अ बिगेस्ट एक्सपोर्टर है पिग आयरन टू इंडिया. ठीक है जी, इतना ही आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी था. जितना ज़रूरी है उतना पढ़ोगे स्मार्ट तरीके से और उसको दिमाग में रखोगे ना, दैट इज़ द की. उस चीज़ के अगर आप बचोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी गाइस. अब हम चलते हैं MSMEs के बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है. MSME हम सभी जानते हैं कि इसमें आपके जितने भी क्लासिफिकेशन है मैनुफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के अंदर आता है. तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ना इससे एक रिपोर्ट फिनेंस करी और निकाला और बताया कि MSME सबसे पहले समझो होते क्या हैं. देखो एक माइक्रो है. माइक्रो का मतलब क्या है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे नीचे आता है. स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जिनकी 10 करोड़ से आपका है लगभग और टर्नओवर इनका 50 करोड़ के थोड़ा नीचे है. ठीक है, और इसके बाद मीडियम में आपका क्या है, मीडियम के अंदर आते हैं जिनकी 50 करोड़ से आपकी हो, है ना, इन्वेस्टमेंट हो, टर्नओवर 250 करोड़ वाला हो, तो आपका मीडियम में आता है. तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है. माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट आपका स्मॉल में 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और टर्नओवर आपका 250 करोड़ है. ये आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए तो आप एग्जैक्ट समझ जाओगे व्हाट इज़ MSME. ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इंडिया में इनका स्टेटस समझोगे तो देखो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस है. क्यों, क्योंकि MSME इंडिया की GDP में 30% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 48% एक्सपोर्ट करती हैं, 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देती हैं, 11.1 यानी 11.1 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर रही हैं. ठीक है, इनकम पास और 6.34 करोड़ एंटरप्राइजेस को कर रही हैं. तो कह रहे हैं MSME सेक्टर का होने का आपको सेल्फ रिलायंट इंडिया में तो मिलेगा. उसके लिए फंड भी क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, एक फंड है जिसमें कि एनकट बाई और NSIC वेंचर कैपिटल फंड. ठीक है, तो एक तरह से ऑपरेट करना और कॉर्पस या डॉटर फंड वगैरह निकालना तो एक तरह का सेबी रेगुलेटेड ये आपका होता है उसके. ठीक है, तो इसके अलावा वही आपका ना इसमें MSMEs के लिए क्या क्या कर रखा है. एक उद्यम पोर्टल है, वो MSME का इनके मिनिस्ट्री निकालती है.
इसमें लैंडमार्क ऑफ 1 करोड़ है ना, तो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020 ताकि वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का हो पाए और बेनिफिट इसके उठा पाए। फुली डिजिटाइज होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन वगैरह मिलते हैं, और इस तरह से चलता है ये। तो जो इम्पोर्टेंट था उससे रिलेटेड हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सीधा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप तो जान ही रहे हो इस वक्त सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ती जा रही है ना। ई व्हीकल से आप ट्रेवल कर ही रहे हो, तो और भी बहुत सारे यूजेस हैं सेमीकंडक्टर के। तो मीती ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म करी है, इसमें की चेयर कराया है मीती को, टू स्टेयर एंड गाइड द 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर मिशंस। ठीक है, इंडिपेंड इंडस्ट्रीज कौन कौन जो है ना डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स पे, तो मोबाइल डिवाइसेस हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स है, या कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कंप्यूटिंग फॉर्म में यूज़ होता है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो सेमीकंडक्टर एक तरह से आप कह लो कि ऐसा मटेरियल है जिसके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, एबिलिटी है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को बेसिकली वो क्रिंट कराए ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है, डायोड्स होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे आपके फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ना, कंडक्ट कंटेन योर सेमी कंडक्टिव मटीरियल। उसके बाद ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक वर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर डिवाइसेज में कैन बी कंट्रोल ओवर अ वाइड रेंज है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है सेमी कंडक्टर की, दैट इट शुड नॉट बी अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नो शुड इट बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी ना, दैट इज़ वाई इट इज़ सेमी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द रीज़न इट इज़ सेमी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर भी नहीं होना चाहिए। इंडिया की तरफ से क्या क्या चीज़ें ली जा रही हैं जिससे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया ने इसको अच्छा करने के लिए, सेमीकंडक्टर्स की मांग को पूरा भी करने के लिए और इसको ठीक ढंग से डेवलप करने के लिए हमने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम चलाया है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम में क्या है कि हम सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे हर उन कंपनी को जो सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, इस तरह से करा गया। 4 तरह की स्कीम्स भी हैं, इवन स्कीम फॉर सेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स इंडिया, एक दो याद रखोगे काम चल जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है ना, तरह का नोडल एजेंसी है ताकि स्मूथ तरीके से सारी इंप्लीमेंटेशन हो पाए। 100% FDI ऑटोमेटिक रूट के लिए हम यहाँ पर भी दे रहे हैं। MSIPs भी बनाए, यानी कि मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम भी है जो इस इंडस्ट्री को फोकस करते हुए इस पर बूस्ट करेगी इसको। तो ऐसे ऐसे काम यहाँ पर शुरू हो रखे हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टेक्निकल टेक्सटाइल। ऑलरेडी गाइस हमने थोड़ा सा पहले भी करा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम रिविजन फॉर्मेट क्योंकि चल रहा है तो लेट्स डू इट। तो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है? बेसिकली टेक्सटाइल मटेरियल है जो कि प्रोडक्ट वगैरह यूज़ किया जाता है टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को अच्छा करने के लिए, रादर देन किसी डेकोरेटिव करेक्टरिस्टिक या एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक को यूज़ करने से अच्छा है आप क्या यूज़ करो, टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करो। इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है कि इंडिया 6% आपका वर्ल्ड मार्केट में टेक्सटाइल मार्केट में यूज़ कर रहा है। पेनिट्रेशन लेवल क्या है इसका? आपका लो है इंडिया में, 5 से 10% है, जबकि एडवांस कंट्रीज़ में इसका यूज़ 30 से 70% किया जा रहा है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल एंड अप्रेल्स के लिए, और इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये याद रखो यार, कहाँ पे इंडिया 6th है, कहाँ पे इंडिया 5th है, ये चीज़ें आपको ज़रूर फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। तो इसके लिए कीप ऑन रिवाइजिंग द लेसन्स, अदर वीडियो लेसन्स है ना। अब नेशनल टेक्सटाइल मिशंस है जो कि इंप्लीमेंट किया गया था 2021 में, 2034 में, इसके 4 कॉम्पोनेंट हैं। एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किलिंग। तो 12 तरह के टेक्सटाइल्स में इसको यूज़ करा जाता है, जो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है डेट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में इंडिया में क्या है, तो देखो मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रिपोर्ट आया, जिसको राज्यसभा ने दिया, प्रेजेंट करा। अब 5 सेगमेंट हैं आपके मेडिकल डिवाइसेस के। देखो द वेरी फर्स्ट सेगमेंट इज़ योर पेशेंट एड्स, यानी कि हेयरिंग एड्स, पेसमेकर्स है ना, और आपके ऑर्थोपेडिक्स में यूज़ होने वाले, डेंटल प्रोडक्ट्स में, डायग्नोस्टिक्स में, MRI, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह में, कंज्यूमेबल डिस्पोजल्स में, नीडल्स में, सिरिंज में यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में जो मेडिकल डिवाइसेज है ना, उसमें 5 सेगमेंट में डिवाइस कर रखा है। 4 क्लासेज है, लो रिस्क, मॉडरेट हाई रिस्क है ना, लाइक दिस। तो हाई एंड मेडिकल जो डिवाइसेज हैं, यानी कि C&A, मॉडरेट हाई रिस्क और हाई रिस्क वाले मैनुफैक्चरिंग लेड बाई MNCs, ठीक है, विद ओवर 90% इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी इसमें है। तो क्लासेस A&B जो हैं आपकी, यानी कि लो रिस्क और लो मॉडरेट रिस्क वाले, उनको रिलेटिवली टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है और वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में भी हो जाती है, ठीक है, ये सब दे रखा है। अब इसमें रेगुलेशंस बताया हुआ है कि मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया जो है मेनली गवर्न बाय दी, दिस 100% FDI हमने इस सेक्टर को भी दिया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो किसी चीज़ों को ना ठीक करने के लिए हमें करना पड़ रहा है चीज़ें, तो दिस इज़ ऑल इतना ज़रूरी था। नेक्स्ट है बल्क ड्रग पार्क के बारे में जान लो। देखो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने ना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है बल्क ड्रग पार्क की 3 आपके स्टेट्स में। अब तीनों स्टेट्स के नाम याद रखना, HGA,
या कुछ भी बना लो तुम इसका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, इन तीनों स्टेट्स को अंडर प्रमोशन ऑफ BDP स्कीम के लिए दिया गया। अब बल्क ड्रग होता क्या है, इसको हम APIs भी कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, ये ना की इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ड्रग का, किसी भी मेडिसिन का जो की इंग्रेडिएंट होता है ना गाइस, उसको बल्क ड्रग कहते हैं, विच लैंड इज अ डिजायर्ड थेरोपेटिक इफेक्ट, वही देता है आपकी बॉडी में जाके। तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट API मैन्युफैक्चरर है, US है उसके बाद, फिर इंडिया है। तो बहुत इंडियन कंपनीज डिपेंडेंट थी भाई बल्क ड्रग के लिए, पर्टिकुलरली चाइना पे ना जब बहुत करते थे हम तो, इंडिया ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम। तो हमने कहा भाई कुछ तो करो, ठीक, सुधार तो करना पड़ेगा। तो हम ना सेंटर जो है वो एड दे रहा है स्टेट्स को, मैक्सिमम 1000 करोड़ पर BDP, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी भी चला रहा है ना, ताकि डी रिस्क जो डिपेंडेंसी खत्म हो ना यार हमारी। तो आपसे पेपर पूछ सकता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्टिव लिंक्स इंसेंटिव स्कीम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि भाई की जो मटेरियल्स हैं वो अपने घर में बनाओ भाई, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आपका फेवरेट टॉपिक, टॉय सेक्टर इन इंडिया। तो ट्रेडिशनल टॉयज़ इन इंडिया आप तो जानते ही हो, हमारे यहाँ भाई टॉयज़ बहुत फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कई कई नामों से भी जाने जाते हैं। तो हमारे मेक इन इंडिया को और प्रमोट करने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट हमारे टॉय सेक्टर में लाने के लिए हमने क्या करा है, हम बहुत इम्पोर्ट करते थे, हम अपनी बहुत डिपेंडेंसी को हटाना चाहते हैं, 70% हम डिक्लाइन करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को बल्कि इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 61% है ना ओवर द लास्ट ईयर हमने किया अभी। तो अबाउट टॉय सेक्टर अगर आप देखो तो इंडिया में ना बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है, 90% मार्केट हमारी अनऑर्गनाइज्ड है, 4000 टॉयज़ इंडस्ट्री जो है हमारी MSME सेक्टर में है। तो इंडियन टॉय इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड कि 1.5 बिलियन ना ऐसा है इसमें, कि 0.5% ग्लोबल शेयर भी दे रही है, डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी है। तो हम अलग अलग नामों को ध्यान में रखना, जैसे ना वुडन टॉयज़ वाराणसी के बड़े फेमस हैं, चकाना है ना पंजाब का है, गुगू, लट्टू, हंडवाई, ये सब अलग अलग नाम है गाइस, ठीक है। तो मणिपुर में इसको लैपा धीबी कहते हैं, तो यू शुड, चन्नापटना टॉय तो बहुत फेमस है, तो कर्नाटका का है। तो आपसे ना ये फैंसी क्वेश्चन फॉर्म में पूछ सकता है UPSC कि भाई इस वाले में ये कौन से वाला है, आंध्र प्रदेश का, याद रखा कोंडापल्ली, तो एक नाम मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल से हैं, नीचे के थोड़े तो मैं पता चली था, साउथ इंडियन नेम्स रिकोगनाइज कर ही लोगे तो चल जाएगा, मतलब इट्स नॉट कि बहुत बड़ा गेम है याद नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत चिल करके इसको याद करो, हो जाएगा। अच्छा, मेक इन इंडिया टॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई मेक इन इंडिया इज़ फॉर टॉयज़ है ना, ह्यूज इंपोर्ट होता है, क्योंकि 85-90% जो हमारा टॉयज होल्ड है वो इंडिया में हो रहा है, मेड इन चाइना, विच इज़ नॉट गुड है ना, क्योंकि चाइना टॉय बहुत ही चीप प्राइस पे आप खरीद लेते हो, तो लो क्वालिटी इंपोर्टेड टॉयज़ भी होते हैं। तो UCI जो रिपोर्ट थी ना क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, उसने रिवील करा कि जो 67% इंपोर्टेड टॉयज़ है वो टेस्टिंग सर्वे में फेल कर गया है। तो बहुत अग्रेसिव एफर्ट लेने की ज़रूरत है ताकि हम ना सेफली टॉयज़ को प्रोड्यूस कर पाएँ लोकली मार्केट के अंदर। तो स्टिमुलेट लोकल इकॉनमी को भी हम अच्छा बूस्ट करेंगे ना, हमारे लोकल एंटरप्रेन्योरशिप निकल कर आएंगे, लोग स्किल डेवलपमेंट होगी, जॉब्स मिलने लोगों को शुरू होगी, तो ये सब ज़रूरी था। अदर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में चलोगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की। तो BRAP क्या है, प्रिपेयर की जाती है बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सिंस 2014, ताकि आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को रिफॉर्म करके अच्छा किया जा सके। अब इसमें ना क्या है, इसमें आपके टॉप अचीवर्स हैं, एस्पायर्स हैं, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम है, 301 आपके रिफॉर्म पॉइंट्स से इसको निकाला जाता है, एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन को, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर सेक्टोरल रिफॉर्म, ये सब किया जाता है। BREP का मेन मकसद यही है गाइस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, फोस्टर करना कि आपके यहाँ एक बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट क्रिएट हो, ताकि हेल्दी कॉम्पिटिशन भी हो। देखो किसी भी बिजनेस साइकिल की क्या साइकिल होती है, बिजनेस स्टार्ट करना, परमिट देना है ना, इलेक्ट्रिसिटी लेना, प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना, क्रेडिट, एक PSC के एग्जाम में, आई एम नॉट श्योर, अगर मे बी इन दी एग्जाम ऑफ UPSC वहाँ पर ये पूछा गया था कि लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस बताओ। तो गैस कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, हम जरा ना रेडी रहा करें अपने दिमाग को, ठीक है, कि भाई देखो प्रोटेक्टिंग माइनिंग इन्वेस्ट पेइंग टैक्सेस ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर लाइक दिस, तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस। EODB यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडिकेशन देता है आपको कि कोई पर्टिकुलर नेशन कितना फ्रेंडली है बिजनेस क्लाइमेट को लेके। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है, पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगा फिर, है ना, एनवायरनमेंट भी अच्छा, इकोनॉमिक आउटकम्स भी अच्छा है। तो वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को निकालता है, 2022 में जब रिपोर्ट आई तो देखा गया कि भाई बट डिसकॉन्टिन्यू सेम 2021 ड्यू टू डेटा रेगुलेटरी की वजह से, लेकिन 63rd आपका ये रैंकिंग रही है 2020 में हमारी, और इट सीज टू स्ट्रीमलाइन एग्जिस्टिंग जो आपके रेगुलेशंस हैं उसको सिंप्लीफाई हमने किया है, हमने बहुत ज़्यादा रिडंडेंट रेगुलेशंस को रिप्लेस करके सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट निकाले हैं, हमने प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करा है, इस वजह से हमारी रैंकिंग इतनी आ पाई है। अब नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन लॉ एंड बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में। रिसेंटली गाइज
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने फिनेंस में एक रिपोर्ट निकाली, उसका नाम था एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक कंपनीज, और अर्ज किया उनको डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टेक कंपनीज के लिए। तो कॉम्पिटिशन में होता क्या है, देखो कॉम्पिटिशन का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन मार्केट की जहाँ पर फर्म या सेलर्स इंडिपेंडेंटली पेट्रोनाइज कर रहे हैं बायर्स को कि वो एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ऑब्जेक्टिव किसी बिजनेस का बताओ क्या होता है, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट हो, सेल्स हो, मार्केट शेयर हो, है ना, यही होता है। और बेस्ड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर चार तरह के कॉम्पिटिशन निकल कर आते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ ध्यान से सुनना ये क्या क्या होते हैं, ये आपको थोड़ी सी याद दिला देती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मोनोपोली का मतलब है एक सेलर है एक प्रोड्यूसर है, यानी कि है ना जैसे कि आपके वाटर सप्लाई है, रेलवे सेक्टर है ना, यहाँ पर याद रखना फ्री मार्केट अलाउड नहीं होती है और कंज्यूमर को चॉइसेस भी होती हैं एज ए सिंपल कॉम्पिटिशन, तो कंज्यूमर चॉइसेस भी मिलती हैं। तो रेलवे इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली, राइट। राइट, सेकेंड आता है ओलिगोपोली के बारे में। ओलिगोपोली गाइस क्या होती है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स हैं, जैसे वीज़ा मास्टर कार्ड है ना, ये वाले ओलिगोपोली होते हैं, या डुओपोली भी होती है। ओलिगोपोली डुओपोली जब दो कंपनी डोमिनेट करें मार्केट को तो वो डुओपोली बन जाती है। तो ओलिगोपोली इज बेसिकली हाई कैपिटल लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल रीजंस के कारण ये ओलिगोपोली इसको बोला जाता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करोगे तो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर क्या है, मार्केट परफेक्ट नहीं है बट सब्सटीट्यूट स्टिल अवेलेबल है, फ्री एंट्री एग्जिट भी अवेलेबल है, प्राइजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंशिएटर्स भी हैं, और रेस्टोरेंट्स क्लोथिंग को हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ना बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑफर कर रही हैं, डाटा सिमिलर बट नॉट परफेक्ट, है ना, तो उसी को हम कहते हैं सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं और फ्री एम एंट्री एग्जिट भी जहाँ पर हो उस मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर। चार कंडीशंस होती हैं परफेक्ट कंपटीशन की, यहाँ बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, कोई बैरियर नहीं है, कभी भी आप एंट्री करो, कभी भी आप एग्जिट करो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर आप सेल करते हो, कंज्यूमर एंड जो फर्म्स होती हैं उनको पर्टिकुलरली बहुत ज़रूरी है कि उनको परफेक्ट नॉलेज हो आउटपुट की, इनपुट को और अपने प्राइसेस को। तो ये चार तरह के टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन मार्केट में देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम समझते हैं लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में और उसका क्या क्या नेगेटिव जो इसका पड़ा है असर वो देखते हैं। देखो नेगेटिव इम्पैक्ट एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या पड़ता है, देखो जहाँ पर भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होंगी सबसे पहला उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होगी, गिर गई, इनोवेशन गिर गई, कंज्यूमर चॉइसेस गिर गई, हार्मफुल प्राइस राइज होगा, एलोकेटिव एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम चाहते हैं भाई एक फेयर कंपटीशन प्रमोट करना, इसीलिए हम क्या लाते हैं कंपटीशन एक्ट 2022, इसीलिए हम लाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करना ताकि इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर साथ साथ आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए बना है क्या NCLAT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, इसको बनाया क्या है ताकि एक आपका ये ठीक ढंग से काम कर पाए। आगे चलते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट जान लो, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखो, 40.21% जो है IAP का इसमें रोल होता है। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं, सबसे ज़्यादा किसका है, ये बड़ा पूछते हैं, बड़ा फेवरेट सा सवाल है। तो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किसका होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का 28.04%, फिर देन इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स के लिए गाइस कोई निमोनिक बना लो। तो गाइस सर्विस सेक्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस प्लीज़ कमेंट टू अस, थैंक यू सो मच, कीप लविंग टू आवर चैनल।